अस्सलाम वालेकुम ताकती न्यूज़ के चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार कमज़ोरी इतनी ज़्यादा आ गई है, हम परदेश में भी रहे हैं तो मुश्तनी बहुत ज़्यादा की है, टाइम में कमी आ गई है, उज़ू में पतलापन आ गया है। छोटा सा इस तरह पता चलता है कि किसी बच्चे का उज़ू है। अगर इस तरह के मसाइल का सामना है आपको तो यार परेशान होने की क्या बात है, जब ताकती न्यूज़ का चैनल ज़िंदा है तो फिर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ताकती न्यूज़ का चैनल नहीं रहेगा तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पैसे भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हकीमों के पास अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छी खासी जेब गर्म करके जाना होगा। जबकि आप ताकती न्यूज़ के चैनल पर आएंगे तो फ्री में आएंगे, सिर्फ आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी टाइमिंग का नुस्खा बताऊंगा, ऐसी कमज़ोरी दूर करेगा, ऐसी ताकत आपको बख्शेगा, वज़ू में सख्ती लाएगा। आज प्याज के साथ एक छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करने को बोलूँगा, सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह दुआएँ देते रहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ ताकती न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियो आपको बरवक्त तौर पे मिल सके। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक पाव प्याज लेना है, दूसरे नंबर पर आपने शहद लेना है आधा किलो की मकदार में। यह मैं आपको पूरे 20 या 15 दिन का टोटका बताने जा रहा हूँ। प्याज को आपने किसी हवन दस्ते में डालकर अच्छे तरीके से कूटना है, इसका रस निकाल लेना है और उसके बाद आपने आधा किलो शहद इस रस के अंदर डालकर इस अकवाम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लेना है। आपने फिर रोज़ाना एक चम्मच खानी है, ज़्यादा नहीं खानी, सिर्फ एक चम्मच रोज़ इसकी इस्तेमाल करनी है, बस और कोई काम नहीं करना। थोड़ी बहुत तो मुंह से स्मेल आएगी क्योंकि प्याज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर 80 साल भी आपने उम्र पा ली तो टना टन रहेगा, इससे बढ़कर मैं कोई बात नहीं कह सकता।